अब ये फोन गाइस इतना सेक्सी और स्टाइलिश है तो सोचा इस फोन को दोबारा फिर से रिपेयर करके ट्राई करते हैं कि 3 साल बाद ये फोन कैसा है। लेकिन यू रिमेंबर जब हमने Xiaomi के सर्विस सेंटर को विजिट किया था तो वहां पे एक बिग प्रॉब्लम ये थी कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में बहुत इश्यूज थी, लाइक 2 से 3 हफ्ता लग जाता था एंड सम टाइम्स पार्ट रहते भी नहीं थे। तो क्या कोई ऐसा अल्टरनेट वे है जहां से आप फोन को रिपेयर करा सकते हैं घर बैठे और अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले या पार्ट जो भी आप लगा सकते हैं। और आज हमें Cashify के होम रिपेयर सर्विस का रियलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है। कंपनी काफ़ी बड़े बड़े दावे करती है, सो हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और जो फ़ोन रिपेयर होता है एक्चुअली में वो किस तरह से रिपेयर होता है, पार्ट्स जो लगाए जाते हैं वो किस क्वालिटी के हैं और प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आपको मिल सकता है, और भी आपके मन में जो डाउट्स होंगे जो मेरे मन में सारे हमने क्लियर किए हैं, और एट द एंड क्या आप Cashify से घर बैठे बैठे फोन रिपेयर कराएं कि ना रिपेयर कराएं, लेट्स फाइंड आउट। बाय दीज प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स फ्रॉम द यूट्यूब शॉपिंग लिस्ट, टैप ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक व्यू प्रोडक्ट्स टू नो मोर। ये प्रो है, इसी का करना है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपके यहाँ से रिपेयर कराया था एक, तो अब जैसे ये डिस्प्ले देखूँ तो चल तो रही, मतलब बहुत मैंने यूज़ नहीं किया, करा के मैंने ऐसे ऑफ करके छोड़ दिया था 6 महीने बाद ऑन किया कल ही, तो वैसे देखें तो चलने में ठीक है, लेकिन अब देख के पता चल जा रहा है कि मतलब ना कलर वाला जैसे आप आइकॉन के देखो तो बहुत बढ़िया नहीं है, डिस्प्ले जैसे लग रहा है कि हाँ Cashify की सर्टिफाइड होती है, ठीक है, तो उन पर वारंटी वैसे ही मिलती है आपको 6 मंथ्स की अगर आपने पहले खोला। जैसे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे देख के पता चल जा रहा है ना कि हाँ डिस्प्ले मतलब हाँ, तो ओरिजिनल तो नहीं होती, थोड़ी सी डल कलर आता ही है, डिफरेंस तो ज़्यादा ही डल नहीं है इसमें, डिफरेंस तो आ ही जाता है उसमें। अब इसमें भी जैसे ये ओएलईडी है, LCD था, तो इसमें भी नियरली वैसा ही आएगा। हाँ, OLED में ही वैसे ही आएगा, जैसे कलर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अभी जैसे मेरे पास, मेरे एक जानने वाले के पास K20 Pro है, तो उनका डिस्प्ले मैंने ये नाका से चेंज कराया, 3 ईयर पे लिया बंदे ने, बट गारंटी कुछ नहीं, लेकिन 6 महीने से चल रहा है डिस्प्ले। फ्रिक्वेंट काम है, अगर फन मन में आप गिरा के तोड़ दोगे सेम डे, अभी आप लगाता ही है, अभी आप गिरा के तोड़ दो वो किसी और दिन कर लेंगे तो, फिर हाँ तो वो तो चेंज कर देंगे, कर लेंगे। तो ये कौन सी पॉलिसी की, मतलब कोई इंटेंशनली लगा के रिपेयर टूट तोड़ दे और आप रिपेयर कर दो की बात नहीं है। देखिए एक वो है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, लगानी है तो लगानी है। अब चाहे अगर मान लो आपका 5 महीने हो रहे, ठीक है, 6ठा महीना कल ही खत्म हो रहा है आपका, अब ये फंस रही है या कोई भी ऐसे मतलब हार्डवेयर डिफेक्ट आएगा तो आप उसको डिस्प्ले का अगर जैसे टच नहीं काम कर रहा है या कुछ तो डिस्प्ले फिर चेंज होगी, ठीक है, और अगर दबी होगी तो लाइन आ जाएगी। हाँ मतलब वो तो फिर डैमेज हो गया ना, फिर डैमेज का तो नहीं, डैमेज में कोई वो नहीं। बैटरी की क्या वारंटी देते हो आप लोग, अगर बैटरी सबकी सेम पॉलिसी है 6 मंथ, बैटरी की 3 मंथ, डिस्प्ले 6 है, बाकी सारे पार्ट 3 मंथ, सबकी 3 मंथ और 1 मंथ का ओनली फॉर डिस्प्ले है। ये पार्ट आप लोग कहाँ से लाते हैं? ये अपना एक वेयर हाउस जैसा बना रखा है, चाइना से बन के आते हैं, चाइना से भी आते हैं, कंपनी बैकएंड से भी आते हैं, बैकएंड से जो भी आता है वो दिल्ली से आता है, अपना एक वेयर हाउस है तो वो प्रोवाइड करते हैं, फिर कूरियर के थ्रू आता है। ये जो सप्लायर है ये वही है जो Xiaomi को प्रोवाइड करते हैं कि आप कुछ थर्ड पार्टी सप्लायर? नहीं, ये कंपनी का इंटरनली है कि कौन कहाँ से माल आ रहा है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, हम बस ऑर्डर लगाते हैं एंड देन उसके बाद माल आ जाता है। और जनरली जैसे आप चेंज करते हो आप लोग, कोई दिक्कत आती है? नहीं, क्योंकि भाई मैंने लास्ट टाइम करा तो मैंने यूज नहीं किया इस फोन, 6 महीने पहले का ये है, पढ़ा रखा है, करते रहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर फिर भी अगर आपने यूज नहीं किया तो वारंटी तो लैप्स हो गई उसमें। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जैसे होता ना कि जैसे आप लगातार डेली यूज करो तो हो सकता है कि खराब हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई यूज करेगा तो खराब होने के चांस होते हैं, चांस तो होते ही है। और प्राइस का कितना डिफरेंस है, मतलब ऑफिशियल प्राइस से लगभग कितना कम है? अगर हम ऑथराइज रिपेयर कराएं Xiaomi से तो कितने रुपए का फर्क पड़ेगा अंदाजे से, मतलब एग्जैक्ट तो मैं देख रहा था, मुझे प्राइस मिला नहीं। हाँ, वो देखिए मान लीजिए एक बार वो ओरिजिनल हो जाती है, लेकिन फिर वो भी सर्विस सेंटर वाले भी आपको वारंटी देते हैं, वो डैमेज के भी नहीं देते, जैसे हम डैमेज की दे रहे हैं 1 महीने में। ये तो चलो Cashify की मार्केटिंग है कि हम 6 मंथ का और ड्रॉप कर दे रहे हैं ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑफर है, है ना, पर वो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता प्राइसिंग में। और बाकी मैंने अक्सर भी चेक किया कि जैसे आपके में लेटेस्ट फोन्स के पार्ट नहीं रहते हैं। हाँ, लेटेस्ट फोन के कभी कभी 2 साल पुराने फोन के भी नहीं है, मतलब मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूं कि शायद मिल जाए, जैसे कोई फोन होता बहुत आउटडेटेड हो गया, अब मोटोरोला LG के फोन के LG फोन कंपनी ने बनाने बंद कर दिए, LG के पार्ट मिलेंगे? LG के पार्ट जल्दी मिलते ही नहीं। ऐप के थ्रू ही क्वेरी करनी रहती है कि कैसे? आप चाहो तो नंबर ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल पे भी रहता है,
और हर कॉल पिकअप होती है, आप अभी कॉल करो पिकअप भी होगा कॉल। ये क्या हर इंडिया में आपके सारे सिटीज में है कि कुछ सब? ये भी है कि अगर आपने यहाँ से कराया है, मान लीजिए आप कहीं गए टूर पे, वहाँ पर कैशिफाई है, वहाँ पर करवा लिया आपने, डिस्प्ले टूट गया अचानक, अगर गड़बड़ कर रही है तो आप लखनऊ में भी चेंज करा सकते। अच्छा, बिल होना चाहिए बस। हाँ, अभी रिसिप्ट मिली, मैंने आपको यहाँ कराया था 6 फरवरी 2022 को कराया था, 2899। तो प्राइस अभी भी सेम ही है, ऐसा क्योंकि प्राइस घटा क्यों नहीं कि 3 साल पहले भी मतलब उसी फ़ोन का रिपेयर इतना था, अभी भी इतना कुछ तो पार्ट कितना हो जाता है टाइम के हिसाब से? वो एट ए टाइम फिर हम लोग ऐसे देख के डिस्काउंट कर देते हैं, जैसे आपको अभी कर दे रहे हैं, वो एट ए टाइम बात कर लेते हैं कि पार्ट अगर मान लीजिए कम का आ रहा है तो उस हिसाब से डिस्काउंट हो जाता है। तो हम 95 मान के चल रहे हैं, 95% कलर अच्छा वैसे ही आएगा कलर आप। अब इसको हम चला के देखेंगे कायदे से, ये सही चलता है नहीं चलता है। यार वो आते ही डेड हो गया था, इसमें कुछ आया नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, देखो पूरा खाली। ये फोन मैंने अनबॉक्स करते ही बस ड्रॉप टेस्ट किया था और ये टूट गया था सेम डे। क्या आप कैशिफाई से ये सर्विस अवेल करें ना करें, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, लाइक क्या क्या प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करते हैं, यानी कि रिपेयर प्रोसीजर कैसा है। काफ़ी सिंपल है, आपको जस्ट ऐप से बुक करना था, नेक्स्ट डे सेम डे भी टेक्नीशियन आपके पास आ सकता है, डिपेंड करता है आप किस सिटी में है और क्या अवेलेबिलिटी है। और रिपेयर का टाइम भी ठीक है, लाइक सर्विस सेंटर में फ़ोन जमा किया जाता है 2 से 3 हफ्ते, नॉर सी चुराई तो मेरा 1 मंथ लग गया था, तो यहाँ पे सेम डे जस्ट इन 2 आवर्स में मैक्स टू मैक्स रिपेयर हो गया। और पेमेंट भी काफ़ी प्रोसेस ईजी है, फटाफट UPI पेमेंट, COD कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस थी अच्छी थी, बिकॉज टेक्नीशियन भी वेल ट्रेन था, सारे पार्ट्स से सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पर भी इसको आप अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, लाइक 9 out of 10 दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ रिपेयर की बात करें तो वो भी ठीक लगी, बिकॉज जिस कंडीशन में डिवाइस मिली है वो एकदम नियर परफेक्ट है। छोटे मोटे जो यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं जैसे कि ग्लूज की, वो आप इजिली हटा सकते हैं लाइक हैंड से रब करके। तो अब सर्विस सेंटर की फिनिशिंग थोड़ी अलग होती है, बिकॉज वहाँ ज़्यादा समय के लिए देते हैं, तो कुछ वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ओके है, ये भी आप 9 out of 10 मान सकते हैं। प्राइसिंग गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। रेडमी K20 Pro काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है मेरे जानने में, एक लोगों के पास और भी है। तो ये सेम फ़ोन आप 3000 rupees में इसका डिस्प्ले चेंज करा सकते हैं लखनऊ में, जैसे कि नाका पे आप जाके करा सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि वहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं मिलती, आपने पैसा पे किया गारंटी ख़त्म हुई, आप शॉप से चले गए, आप लौट के आएंगे, आपको दोबारा 3000 rupees देने पड़ेंगे, 3-3.5 जितना बार्गिन करा लें। यहाँ पे जो मुझे प्राइस पड़ा है नियरली 6200 rupees पड़ा है, सर्विस सेंटर का जो प्राइस मैंने चेक किया था वो अराउंड 9000 प्लस GST लगा के 9-9.5 पहुँच सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3000 rupees कम है, सो प्राइसिंग तो ठीक है, बिकॉज जिस लेवल का यहाँ पे डिस्प्ले मिला है, जैसे कि क्वालिटी जो मिल रही है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो प्राइसिंग में भी यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हाँ, ये चीज़ वेरी कर सकती है कि आप किस फ़ोन का डिस्प्ले लगवा रहे हैं, जैसे कि Realme 3 Pro मैंने काफ़ी पहले रिपेयर कराया था, मुझे ये 2500 या 3000 का कुछ पड़ा था, 2899 का, और आप बाहर से लगवाएंगे तो आपको 1500 में भी ये मिल सकता है, सो वो चीज़ वेरी कर सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ जो मुझे ये लगा कि कंपनी 6 मंथ की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, ऑल्सो 1 मंथ की, फर्स्ट 1 मंथ में आपको ड्रॉप प्रूफ की गारंटी मिलती है, यानी कि आपका फ़ोन अगर गिर के टूट भी जाता है, आप चाहे तोड़ भी देते हैं तो भी आप 1 मंथ का डिस्प्ले चेंज करा सकते हैं, और एनदर 5 मंथ आपको कम्प्लीटली कोई भी प्रॉब्लम आती डिस्प्ले में तो वो भी आप चेंज करा सकते हैं। तो इन दी लास्ट वर्डिट में यस, ये ऑलवेज रिकमेंडेड होता है कि अगर आप ऑथराइज पार्ट लगवाएं तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन इन केस आप नहीं लगवा पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम या पार्ट्स अवेलेबिलिटी या कुछ भी, तो ये भी अल्टरनेटिव ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं।